नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सभी का स्वागत मेरी नहीं हमारे YouTube चैनल डी फॉर धीरज में। ये स्वागत प्यार भरा मेरे सभी भाइयों बहनों और सभी मेरे प्यारे दोस्तों का। सो बी हंग्री के अज्ञान के लिए, बी हंग्री, बी मोटिवेटेड एंड बी द रियल बीस्ट। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, ये चैप्टर कोई आम चैप्टर, ये चैप्टर कोई आम चैप्टर नहीं होने वाला है, वो नॉर्मल चैप्टर नहीं। ये भारत के इतिहास से रिलेटेड है, भारत के इतिहास से। और भारत बहुत ही प्राचीन देशों में से एक है। और जो अखंड भारत का सपना जिन्होंने देखा था सर आचार्य चाणक्य ने, तो पहली बार जो महान पुरुष ने अखंड भारत का सपना देखा तो वो महान चाणक्य सर थे। तो ये चैप्टर में वही अखंड भारत, महान भारत के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। भारत और इंडिया सब जो ये ना, ये फॉर यू बेसिक नॉलेज, इंडिया सब हैज बीन राइट फ्रॉम द इंडस वर्ड। ये पूछा जा सकता है आप लोगों को, बहुत को पता होगा ये फैक्ट। इंडिया सब कहां से वर्ड राइट किया, इंडस, समझे? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही पुराना सभ्यता में से एक है, वहीं से इंडस से इंडिया लिया गया। और ये बेसिक नॉलेज। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, बहुत हार्ड। देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1914 टू 1918। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जान ले, थोड़ा अर्विंग क्या, जो थोड़ा सा मैं जानता हूँ, इतना सही जानता हूँ 1%, तो वो बता दे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद रखिएगा, जुलाई से 1914 28 जुलाई से नवंबर 1918 तक हुआ। सुना नहीं दिया? 1914 जुलाई से, ठीक? तो 1914 जुलाई मंथ से हुआ था नवंबर तक 1918 तक। ये मैं बेसिक नॉलेज जानता हूँ। और दूसरा बात ये, इसको कहा था द ग्रेट वॉर, इसको कहा था द ग्रेट वॉर भी कहता है, द वॉर ऑफ एंड ऑफ ऑल द वॉर्स। इसको क्यों लड़ा गया था? ताकि सब लड़ाइयों को मिटा देने के लिए। ये अप टू हियर इट शुड बी क्लियर, ठीक? तो और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था WW1, हो बहुत ही क्या बोले, उससे बहुत हानि हुआ था उसको, दुनिया को। तो ये बेसिक नॉलेज हो गया 1914 टू 1918, जीके में पूछा जा सकता है। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड क्रिएटेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया के सामने क्या क्या था? कस्टम ड्यूटीज रेज्ड अप। सेकेंड वन, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1919, व्हेन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वाज देयर। और तीसरा क्या, फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया। तीन पॉइंट याद रखिए। अच्छा, कस्टम ड्यूटीज वेयर रेज्ड, इनकम टैक्स वेयर इंक्रीज, वेयर इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस, एंड थर्ड वन वॉज दैट फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया। मीन्स मतलब, अगर जो अच्छे घाटे, जो हस्त पुष्ट है, ऊंचे कट के आदमी, उन लोग क्या किया जाता था, ग्रामीण क्षेत्रों से उनको भगाया जाता, भागो, तुमको सेना में जाना है, ताकि तुम ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार ने शासन करा तो उनके लिए लड़ना था। ये था फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी कि जोर जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था, उसी को कहते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट। बहुत अच्छा, बहुत इजी था ना ये। अब तो है, ये तो बेसिक नॉलेज। सत्याग्रह, अच्छा सत्याग्रह में आते, देखिए सत्याग्रह तो आप इसके बाद वाले टॉपिक में बता दूंगा, पर जानना पड़ेगा सत्याग्रह। अच्छा, दे देता हूँ बेसिक नॉलेज। सत्याग्रह क्या है? सत्य, देखिए तो हिंदी का एक शब्द है सत्य को, आग्रह यानी कि सच्चाई को अपनाने को ही कहते हैं सत्याग्रह। ये हिंदी टर्म है बेसिकली सत्याग्रह। जो हिंदी भाषी होंगे मेरे दोस्त या भाई बहन दो भी होंगे, वो जानते होंगे सत्याग्रह एक हिंदी भाषी शब्द है। तो सत्य को जो आग्रह करता उसी को कहते हैं सत्याग्रह। देखिए, हर कॉइन का प्रोज एंड कॉन्स होता है, ठीक? तो हेड ही नहीं आता बार बार, टेल भी आता है। तो सत्याग्रह एक था, सत्याग्रह अपनाया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक? तो पर कुछ रेडिकल्स, पर कुछ गर्म खून वाले कौन थे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये मूवमेंट सत्याग्रह को नहीं मानते थे, वो तो बाद में करें। तो सत्याग्रह समझे, सत्याग्रह मीन्स व्हाट इज सोलफुल। सत्याग्रह सच्चाई को अपना के हम लोग असत्य, बेसिकली सत्याग्रह इज ए फोर्स, सत्याग्रह इज ए फोर्स विच इज यूज टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। क्या? असत्य, विच इज यूज टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस विदाउट टेकिंग आर्म्स एंड एमुलेशन इन हैंड। बिना अस्त्र शस्त्र होता है, असत्य की तरफ लड़े, इनजस्टिस की तरफ लड़े, विद ओनली सत्य एज ए ट्रूथ, सच्चाई को अपनाने ही, तो उसको क्या कहते हैं, सत्याग्रह। बहुत अच्छा, ये क्लियर होगा। देखिए 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू भारत। देखिए महात्मा गांधी जी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, बेसिक नॉलेज। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया कब? अच्छा 1915 महात्मा गांधी जी। सेकेंड वन, देखिए 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण।
हाँ अच्छा 1915 में तुरंत 1916 में अच्छा चंपारण जगह चंपारण कहाँ है चंपारण कहाँ है बिहार में याद रखिएगा अच्छा 1917 ये इंपॉर्टेंट डेट से उसके बाद में सत्याग्रह कर दे दूंगा नेक्स्ट टॉपिक अगला वीडियो में देखिए 1917 देखिए यू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड गुजरात अच्छा जैसे है उसके बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और गुजरात के लिए उन्होंने वो चल गए कहां गुजरात सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करने के लिए और फिर 1918 में महात्मा गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज मिल मूवमेंट फॉर कॉटन मिल वर्कर्स देखिए अहमदाबाद को क्या कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को क्या कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया यानी कि वो सूती कपड़ा का ज्यादा वहां फैक्ट्री है ना इसीलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया याद रखिएगा अच्छा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया अच्छा बेंगलुरु कॉटन अहमदाबाद अहमदाबाद से याद आ गया अहमदाबाद को क्या कहते थे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अच्छा 15 में गांधी जी आए ही रिटर्न टू इंडिया फिर 16 में चंपारण गए फिर 17 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात गए फिर 18 में अहमदाबाद गए अहमदाबाद को कहा जाता है कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा अच्छा तो अप टू हियर इसके लिए अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था इसके बारे में सब जानेंगे सत्याग्रह क्या है इसके बाद और डिटेल दूंगा और ये 4 पॉइंट 15 16 17 18 कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन माय सेल्फ धीरज विद माय कैमियो संतोष रॉलिंस एंड अविनाश स्टे ट्यून्ड विद मी और एक और नोटिस बी सेफ बी हंग्री फॉर नॉलेज एंड बी मोटिवेटेड जय हिंद जय भारत